पीएम मोदी की स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर जी जान से जुट गए हैं, जिसके चलते विधायक नरेंद्र ठाकुर ने फैसला लिया है कि अपने क्षेत्र को पूरी तरह से स्वच्छ रखने के लिए निजी और सरकारी बसों में कूड़ेदान रखे जाएंगे, ताकि सवारियां कूड़े कचरे को बसों के बाहर सड़कों पर ना फेंके। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पहले ट्रायल के तौर पर हमीरपुर में इस तरह बसों में कूड़े कचरे के लिए छोटे छोटे कूड़ेदान लगाए जाएंगे, ताकि बसों के बाहर सड़कों पर कूड़ा ना फेंका जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमीरपुर में ये सफल होता है तो सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए काम किया जा सके। गौरतलब है कि बसों में फल, चिप्स या अन्य सामान खाने के बाद सवारियां सड़कों पर इसके रैपर फेंक देती है, जिससे गंदगी का आलम बना रहता है। लेकिन अब बसों में छोटे कूड़ेदान लगाए जाने पर समस्या से निजात मिलेगी तो सवारियों को भी सुविधा मिल सकेगी। हम अपने कंस्टिट्यूएंसी को कैसे और स्वच्छ रख सकते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि बसों में जो लोग फ्रूट वगैरह खाते हैं वो छिलके जो हो एकदम विंडो से बाहर फेंक देते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये विंडो के बाहर सड़क पे ना जाए, इसको बस में ही एक जगह ऐसा एक डस्टबिन का प्रावधान करने जा रहे हैं, ताकि वो जो सारे का सारा जो वेस्ट है वो उस डस्टबिन में डाला जाए, ताकि ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि बसों में जो बसों से बाहर जो सड़कों में जो गंदगी फैलती है उसको कैसा रोका जाए। अगर ये हमारा हम यहाँ शुरू हम ऊपर से कर रहे हैं इसको, अगर ये हमारा अभियान सक्सेस रहा तो हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस अभियान को पूरी स्टेट में, चाहे वो प्राइवेट बस है चाहे HRTC की बस है, सब में डस्टबिन का प्रावधान किया जाए, ताकि स्वच्छता की ओर एक नया कदम जो है वो हमारे लोगों को मिले।